सांप और नेवले की दुश्मनी जन्मों जन्म पुरानी है और ये दोनों जब भी एक दूसरे को देखते हैं तो अपने दुश्मन को जान से मारने के लिए आपस में भिड़ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नेवला और सांप कट्टर दुश्मन क्यों है? क्यों नेवला सांप को देखकर भड़क जाता है? क्या है इन दोनों की दुश्मनी की वजह? आइए जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो सांप नेवले को इसलिए मारना चाहता है ताकि वो खुद जिंदा रह सके, लेकिन अफसोस सांप ऐसा नहीं कर पाता और नेवला सांप को इसलिए मारना चाहता है ताकि वो सांप को खाकर अपनी भूख मिटा सके। लेकिन इन दोनों की दुश्मनी की असली वजह यह है कि सांप जब भी नेवले के बच्चों को अकेला पाता है तो वो उन्हें मारकर खा जाता है, क्योंकि सांप को नेवले के बच्चों को खाना बहुत पसंद है। यही वजह है कि नेवला अपने बच्चों की रक्षा के लिए सांप को देखते ही उससे भिड़ जाता है। इन दोनों की इस लड़ाई में जीत हमेशा नेवले की ही होती है, क्योंकि नेवले के शरीर पर सांप का जहर असर नहीं करता। लेकिन कई बार नेवला इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो बुढ़ापे के कारण बहुत कमजोर हो जाता है और ऐसी हालत में वो सांप के जहर का मुकाबला नहीं कर पाता। वैसे सांप और नेवले में से आपका फेवरेट कौन है कमेंट करके जरूर बताना।